हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये आप देख सकते हैं मॉन्स्टर सी स्कूटर दिख रही है, मॉन्स्टर सी खतरनाक ही दिख रही है, बिल्कुल ही खतरनाक सी। ये है जोंटेस की, अगर आपको नाम दिखाऊं कहाँ पे है इसका नाम, ये है 350E। ये है मैक्सी, ये एक तरह से 350cc का मैक्सी स्कूटर है, जो देख सकते हैं बिल्कुल ही ह्यूज है, ह्यूज। अगर मैं इसको नॉर्मल पे कर दूँ, देख सकते हैं आप 1x पे कर दिया, आप देख सकते हैं कितना ह्यूज है ये। अभी मैंने इसको वाइड एंगल किया तो फिश आई इफेक्ट आ जाता थोड़ा, तो इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है कितनी विड्थ वगैरह है। बाकी ऐसे से कुछ इसका यहाँ पे वो देख सकते हैं आप, देखिए कितनी ह्यूज है ये, सीरियसली बहुत ह्यूज बनाया गया है इसको। तो अप्रोक्स ये अभी तक लॉन्च नहीं हुई है जोंटेस की तरफ से, बट ये येट टू बी लॉन्च्ड है, मतलब विद इन 2-3 मंथ्स ये लॉन्च हो जाएगी। अब इसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल बताऊँ, लंबी सी विंडस्क्रीन टूरिंग के लिए बहुत बढ़िया, लंबी सी विंडस्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पे आपको 3 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, 3 टाइप देख सकते हैं, 1, 2, 3 3 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एयर डैम्स सेट मिलते हैं, बट ये फेक एयर डैम्स है, अंदर कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी नीचे आपको वो मिल जाता है, इंजन कवर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। 350E की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो मिल जाता है, गोल्डन सा फिनिश देने की कोशिश किया है, मैट ब्लैक के अंदर, मैट ब्लैक कलर है ये। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाती हैं, दोनों साइड ही DRLs मिल जाती हैं। DRS तो नहीं, आई थिंक सो ये इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स और कहीं पोजीशंस नहीं है। बाकी ऐसे से कुछ इसके व्हील्स मिल जाते हैं, गोल्डन में व्हील्स हैं, 120/17R15, ये 15 इंचज के व्हील्स है, बहुत बढ़िया, 120/17, मतलब एक मैक्सी स्कूटर में 120 सेक्शन के टायर, बहुत बढ़िया। BMW के पास शायद इसी ने निकाल इन्होंने निकाले हैं ऐसे कुछ टायर साइज, बाकी अगर साइड की तरफ चलते हैं तो अभी ये साइड से अगर देखते हैं आपको, बिल्कुल ही ह्यूज सी स्कूटर है ये, बिल्कुल ह्यूज सा। बाकी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है, और ये ह्यूज सा स्कूटर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ह्यूज। ये हटाओ उसको, थोड़ा लटक रहा है, ह्यूज सा स्कूटर मिल जाता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको दो साइड आपको क्या सामान रखने की जगह मिल जाते हैं, सीट की कुशनिंग अपरंपार है, बिल्कुल तगड़ी सीट की कुशनिंग मिल जाती है आपको। और जो सीट के अंदर दो कंपनी क्लेम करते हैं, दो फुल साइज आप हेलमेट रख सकते हैं, 60 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, फुल साइज आप हेलमेट रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल लिट ऑप्शन ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, कीलेस एंट्री के साथ ये व्हीकल आता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जोंटेस की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको की रखने का जगह मिल जाता है, की रखने के लिए, कि बाइक अगर यहाँ पे की नहीं रखी होगी या बाइक की आपके पास नहीं होगी तो ऑब्वियसली की स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको ब्रेक लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी आपको एडजस्टेबल ब्रेक वो लीवर्स मिल जाते हैं, इसमें भी और इसमें भी आपको ब्रेक, दोनों ब्रेक के आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हाई बीम लो बीम मिल जाता है, यहाँ पे पासिंग स्विच मिल जाता है, यहाँ पे हजार्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पे आपका हॉर्न का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो भी है जो मतलब ऐसे करते हैं तो आपको मतलब जैसे जिस साइड में मोड़ेंगे उस हिसाब से आपका इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा। सेट मोड करने का ऑप्शन यहाँ पे से मिल जाता है, जो कि आपका ये 7 इंच का डिस्प्ले है, जो कि अभी चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि कीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको हैंडल बार है, सामान रखने की जगह नहीं है, ये नहीं तो गिर जाएगा भाई, कोई रखने जाओ और गिर जाए, सीधी सी बात। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल लिट खोलने का ऑप्शन है, अगर की आपके पास रहेगी तो फ्यूल लिट खुल जाएगा, सीट खुल जाएगा, यहाँ से अपना ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। यहाँ पे इको मोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अपना किल स्विच का ऑप्शन, किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको वो मिल जाता है हेडलाइट ऑन ऑफ का मिल जाता है, नहीं तो DRL में चलती रहेगी बाइक, स्कूटर। यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको अब ये जो आपकी जो ये है अपना हैंडल बार्स है उसको वो करने के लिए हीट करने, हीटेड ग्रिप्स है उसका ऑप्शन मिल जाता है। अगर ऐसा सा कोई स्कूटर है, बूट्स पे सभी खोल के दिखा नहीं सकते, नहीं तो वैसे बोला गया बहुत मैसिव है, बहुत मैसिव। और यहाँ पे पैर रखने की भी दो जगह मिलती है, यहाँ पे एक यहाँ पे आगे मिलती है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनाया गया है जोंटेस की तरफ से। यहाँ पे आपको बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिल जाता है, सारा आपका इंजन बे है, यहाँ पे आप बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिल जाता है, इसलिए इतना बड़ा करके बंद किया गया है। बाकी अगर अब मैं रेयर की तरफ चलता हूँ, रेयर की तरफ आपको पूरा कंप्लीट LED सेटअप मिलता है, आपका टेल लैम्प्स है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख सकते हैं आप। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के बोर्ड मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा एग्जॉस्ट कुछ मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंजन बोर्ड है सारा, लैंडस्केप में पूरा वो इंजन रखा गया है, स्कूटर है इस वजह से। बाकी अब इसकी इंजन की अगर मैं बात करूँ तो 348cc का इंजन आता है, जो 38.2 BHP की पावर निकालता है, और जो टॉर्क है वो 30 Nm का टॉर्क निकालता है।
ठीक है, बेल्ट रेस्ट सिस्टम के साथ आता है वो मैंने आपको बता दिया। जिसकी लेंथ है वो 2185 mm की है, 2185 mm। जो विड्थ है, सॉरी 2195 mm की इसकी, 2195 mm की इसकी लेंथ मिल जाती है, 795 mm की इसकी विड्थ मिल जाती है, और जो इसकी हाइट है वो है 1390 mm। बहुत बढ़िया इसके डिटेल रखे, मतलब जो मैसिव इसका वो रखा गया, मेरा क्या बोलते हैं डायमेंशन वगैरह। बाकी इसका अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ, टेलीस्कोपिक USD फोक्स मिलते हैं, नहीं टेलीस्कोपिक फोक्स है, USD आपको नहीं मिलते यहाँ पे, ठीक है, अपसाइड डाउन नहीं मिलते। पीछे मोनोशॉक मिलते हैं, वो आप मैंने दिखाया नहीं दिखाया, ये आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं दोनों साइड वेट संभालने के लिए। वैसे नॉर्मली जो हमारे होंडा वगैरह के स्कूटर्स आते हैं छोटे मोटे, उनमें एक ही सिंगल ही आता है। बाकी इसका ग्राउंड क्लीयरेंस है 155 mm, जो इसका व्हील बेस है आपको मिलता है 1565 mm का, 16 लीटर का वो है आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बाकी फ्रंट टायर बैक टायर का आपको मैंने बता ही दिया, डुअल जनरेटर नहीं, वैसे साथ ही व्हीकल आता है, ठीक है। बाकी आप मुझे बताइएगा वीडियो देख के कि कैसी लगी आपको ये ज्वेंटस 350E, आपको कैसी लगी, बिल्कुल आप मुझे वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ये सब में बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब जितने जल्दी जितना हो सके आप लोगों के लिए वीडियो डिटेल ये सब लेके आऊँ। ये उसी की बहन है किसी की, इसके बाद वीडियो आएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक सबको मिलते हैं वैसे, ठीक है, तभी डुअल चैनल रिपीस मिलता है, और ड्रम ब्रेक्स में डुअल चैनल रिपीस नहीं दे सकते, तो ऐसा कुछ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट्स में लिख देना कैसी लगी आपको ये मैसिव स्कूटर। अप्रोक्स 4 लाख के आसपास इसका एक्सशोरूम प्राइस जाएगा, जो कि अगर देखा जाए तो BMW से तो बहुत ही कम है, और एरोक्स से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या, डबल ही है लगभग। एरोक्स अप्रोक्स 160 के आसपास आती है, और ये तो 4 के आसपास आते हैं, तो 2x से तो ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है। बट बाकी देखते हैं अब क्या होता है नहीं होता, कैसे कैसे इसको मार्केट में लोग लाते हैं कि अपने कीवे वाले, और कैसे कर सॉरी कीवे बोल रहा हूँ जोनटेस वाले कैसे लाते हैं क्या करते हैं, बाकी डिपेंड करता है। तो अभी के लिए इस वीडियो को इतने रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों अपने घर वालों के साथ। अभी के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच।